यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग इप्सिता, गुड मॉर्निंग कमल, गुड मॉर्निंग विनय, गुड मॉर्निंग भूपेंद्र, गुड मॉर्निंग राहुल। एवरी वन ऑफ यू वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू आस्क यू इफ यू हैव एनी डाउट इन द प्रीवियस टॉपिक। आपका जो लास्ट लेक्चर था कल वाला, उसको कोई डाउट हो तो आपसे पूछना चाह रहा था मैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके फाइन, सो वी स्टार्ट हियर विद द टॉपिक चैप्टर 7, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड द रोटेशनल मोशन। इसका सेकंड लेक्चर है जो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सेकंड लेक्चर में, क्योंकि मैं आपको जो लास्ट क्लास में बता चुका हूँ उसको एक बार क्विकली समराइज कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर हम लोग अभी तक जो भी डिस्कशन कर रहे थे पिछले चैप्टर में, वो एक पॉइंट मास एज्यूम कर रहे थे सभी ऑब्जेक्ट को, लेकिन अभी अपन उनको डिस्ट्रीब्यूटेड मास एज्यूम करके कैलकुलेशन करेंगे। और दूसरा, उन सभी डिस्ट्रीब्यूटेड मास की को एज्यूम करके, डिस्ट्रीब्यूटेड मास को एज्यूम करके कैलकुलेशन करने के लिए हमको एक सेंटर ऑफ मास की रिक्वायरमेंट होगी, वो हम निकालना सीखेंगे। इसके अलावा रोटेशनल मोशन के जितने भी कंसेप्ट हैं वो अपन इसमें सीखेंगे। व्हाट इज रोटेशनल मोशन, या ये जितने भी पैरामीटर्स आते हैं टॉर्क, ठीक है, वो सब अपन इसमें सीखेंगे। तो इसके बारे में अपन कंटिन्यू, फिर मैंने आपको बताया इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का डिफरेंस क्या होता है। जो अंदर से जो स्ट्रेस जनरेट होते हैं किसी बॉडी के अंदर, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसके अंदर के जो एटम्स और मॉलिक्यूल हैं, किसी भी कारण से अगर वो स्ट्रेस एक्वायर करते हैं तो वो आपका इंटरनल फोर्सेज हो जाते हैं। एक्सटर्नल फोर्स जो है वो बाहर से लगता है बॉडी के ऊपर। तो जैसे मैंने बताया, बॉडी को हीट करते हैं तो अंदर से स्ट्रेस जनरेट होता है, तो वो इंटरनल स्ट्रेस है। और अगर बॉडी को अपन पुश करते हैं किसी भी अपने हाथ से, तो ये एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी के अंदर, जहां पर पूरा का पूरा जो मास है, उस डिस्ट्रीब्यूटेड मास है उस बॉडी का, वो कंसंट्रेटेड माना जा सकता है, वो एज्यूम किया जा सकता है कि उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। और उस बॉडी को उस हिसाब से पॉइंट मास मानते हुए, जिस जो पॉइंट का मास कहाँ कंसंट्रेटेड है, उस सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड है, उसको पॉइंट मास मानते हुए पूरी कैलकुलेशन अपन वैसे ही कर पाते हैं जैसा कि हम पहले ऑलरेडी जो हमारा पॉइंट मास था उसके लिए कर रहे थे। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास क्या बताया मैंने। सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट ऑन द बॉडी ऑन विच द होल डिस्ट्रीब्यूटेड मास ऑफ द बॉडी कैन बी एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। पूरा का पूरा मास जहाँ पर कंसंट्रेट होता हुआ माना जा सकता है फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस, और हमारे एंड रिजल्ट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे, वो हमारा जो पॉइंट होता है उस बॉडी के अंदर, वो सेंटर ऑफ मास होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास जो होता है बॉडी का, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा डिफर करता है। वो क्या है डिफरेंस, वो मैंने बताया। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वही डिफरेंस है जो एक तरह से मास और वेट में होता है, क्योंकि वेट में अपन ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो आइडेंटिकल है मास के लिए, उस एनालॉगस है, उसी तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके एनालॉगस है, हमारे वेट के, ठीक है। हाँ, यस, गुड मॉर्निंग मीनाक्षी। सो टुडे व्हाट वी आर टेकिंग इज द सेकेंड पार्ट ऑफ अवर चैप्टर रोटेशनल मोशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें मैं जो कल पढ़ाया था वो मैं क्विकली रिकैप कर रहा हूँ। तो कल मैंने आपको फिर इसके बाद ये बताया सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफरेंस, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन करेंगे तो ऐसे करेंगे कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर पूरी बॉडी का जो वेट है वो एज्यूम किया जा सकता है एक्ट करता हुआ, ऐसे पॉइंट को अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और सेंटर ऑफ मास क्या है, पूरी बॉडी का मास जहाँ पर कंसंट्रेटेड एज्यूम किया जा सकता है वो सेंटर ऑफ मास हो गया, और पूरी बॉडी का जो वेट है वो जहां पर कंसंट्रेटेड एज्यूम किया जा सकता है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। दोनों में केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी का फर्क आ रहा है। पहला वाला पार्ट है ओनली एम एंड सेकंड पार्ट है एम इनटू जी, दैट इज वेट। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोई भी टू पार्टिकल सिस्टम होता है, कोई भी उस टू पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उन दोनों,
अगर वो दोनों टू पार्टिकल सिस्टम है, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही उसका सेंटर ऑफ मास आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि एक मास एम वन और एक एम टू है, तो एम वन एम टू के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसके ऊपर ही उनका सेंटर ऑफ मास लाइक करेगा। और फिर मैंने आपसे पूछा था कि उसकी लोकेशन के क्या आईटी के बारे में आपको आइडिया देना है, तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसकी लोकेशन जो होगी वो जिधर बहुत ज़्यादा हैवियर मास होगा उसकी तरफ वो शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है और मास पर भी डिपेंड करता है। यानी कि सेंटर ऑफ मास निकालने में जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आते हैं, सेंटर ऑफ मास किस जगह है उसका क्या है, उसका कोऑर्डिनेट आएगा ना पोजीशन कोऑर्डिनेट कि एक्स एक्सिस में किस जगह है और वाई एक्सिस में किस जगह है, तो वो जो सेंटर ऑफ मास के जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो मास पर भी डिपेंड करते हैं और उस मास की लोकेशन कितनी दूर है उस पर भी डिपेंड करते हैं। दोनों को मिला करके जो है वो पोजीशन कोऑर्डिनेट आते हैं। तो हमारा कोई हैवियर मास अगर जो है हैवियर मास जो है उसकी तरफ हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो हमेशा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मास पे डिपेंड करता है, मास जितना दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी तरफ सरकता जाएगा हमारा सेंटर ऑफ मास। तो मैंने आपको बताया कि जितना दूर डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है उधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, जितना ज्यादा मास है उस तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। ये जो है वो डिपेंडेंसी हो गई सेंटर ऑफ मास की। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास फॉर ए गिवन टू पार्टिकल सिस्टम। तो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए मैंने सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मैं एक बार स्विच कर रहा हूँ कैमरा, जो मैंने बताया था वो एक बार रिपीट कर दूंगा क्विकली, आई एम रिकैपिंग इट ऑल। तो इसमें आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि दो डिस्ट्रीब्यूटेड मास थे एम वन और एम टू था, जो कि ओरिजिन से रेस्पेक्टिवली आर वन और आर टू डिस्टेंस दूर थे। इस पॉइंट मास एम वन का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसको आर वन बोल रहा हूँ, मास एम टू का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो आर टू है। अब आप बोलोगे सर आर टू को कैसे लिखे, तो आर टू लिखने का तरीका होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जहाँ पर एक्स जो होगा वो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस हो जाएगी। जैसे मैं इस पॉइंट की अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा एक्स पर, तो ये जो इस तरह से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होकर आएगा मेरा, यहाँ पर परपेंडिकुलर आएगा इस पॉइंट पर, तो ये जो लेंथ होगी मेरी ये वाली लेंथ, ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा एक्स हो जाएगा। और वाई की लेंथ यहाँ से मैं वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, वो जो लेंथ होगी मेरी वो क्या कहलाएगी, वाई कहलाएगी, ये मेरी वाई हो जाएगी। तो अब इसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है आर के वो कैसे लिखेंगे आर वन के, तो आर वन को अपन लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। तो ये इसी तरह से पोजीशन कोऑर्डिनेट अपन किसके लिख देंगे, एम टू के लिख देंगे, ये एक्स वन आई कैप और वाई टू जे कैप हो जाएगा, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप हो जाएगा, दोनों में वन लग जाएगा। और जो हमारा दूसरा पोजीशन कोऑर्डिनेट आएगा आर टू वो कैसे हो जाएगा, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप। अब बात कर लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन का, तो उसको निकालने का तरीका जो है वो इस तरह से है, आर सी एम इज डिफाइंड एज एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, दिस इज द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ आर सी एम। अब आप पूछ सकते हो सर ये पोजिशन कोऑर्डिनेट किस तरह से आए, व्हाट इज द डेरिवेशन फॉर दिस फॉर्मूला, इसको आप डिराइव करके बताओ। तो उसको मैं डिराइव कर देता हूँ एक बार, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जो मैं डिराइव करने जा रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा था आपको कि मैंने ये डिस्कशन किया था कि मेरे जितने भी मासेज हैं सारे मास डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो सभी मासेज का जो मोमेंट आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर अपन मोमेंट को लेते हैं, मोमेंट क्या होता है वो मैं बता दूँ आपको, व्हाट इज मोमेंट पहले उसको समझ लेते हैं। मोमेंट, तो मोमेंट जो होता है वो मास इंटू आर्म लेंथ होता है, मास इंटू आर्म लेंथ। मैं आपको दोबारा वर्बली बोल रहा हूँ, जो मोमेंट का फॉर्मूला है वो क्या होता है, मास इंटू आर्म लेंथ होता है, ठीक है। तो जो सारी बॉडी के जो मोमेंट आएंगे, मास इंटू लेंथ जो आएंगे आर्म लेंथ, यानी कि इसको बोलेंगे जैसे मान लो पहला वाला मास कितना है, पहला वाला मास एम है और आर्म लेंथ आर वन है, तो एम इंटू आर वन जो हो जाएगा, एम वन इंटू आर वन जो हो जाएगा वो मोमेंट हो जाएगा फर्स्ट मास का किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। अब देखो कहाँ से, जो भी आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा, जहाँ भी जो भी ओरिजिन होगा वहाँ से, तो मैं बोलता हूँ कि अगर ओरिजिन से आपको मोमेंट चाहिए, मास इंटू ये लेंथ चाहिए मोमेंट, तो ये एम वन आर वन आएगा ओरिजिन के अबाउट, एम टू आर टू आएगा ओरिजिन के अबाउट, सभी मासेस की अपन क्या ले लेंगे, मोमेंट ले लेंगे। तो मैं टोटल मोमेंट जब कैलकुलेट करूंगा, ध्यान रखिएगा प्लीज, जब टोटल मोमेंट कैलकुलेट करूंगा, व्हाट आई एम डूइंग टोटल कैलकुलेशन टोटल मोमेंटम, तो एम वन इंटू आर वन
plus m2 into r2 plus dash 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 plus mn into rn will be the value. बिल्कुल यही आएगी ना, सारे मासेस का मोमेंट अपन लेंगे किस अबाउट ओरिजिन के अबाउट, तो m1 r1 plus m2 r2 and so on up to mn rn ये आएगी. अब ये टोटल मोमेंट जो आया है वो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा पूरा का पूरा मास जो है ना वो कहाँ, वो टोटल कितना है, मेरा पूरा पूरा मास है m1 plus m2 plus dash 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 mn, ये टोटल मास है. तो अब ये जो टोटल मास है वो अगर मैं किसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान लूं, ध्यान रखिएगा अगर मैं उसको किसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान लूं सारे डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस को, तो उसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा अगर मैं उसको आरसीएम कहता हूं, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट को अपन जनरली आरसीएम बोलते हैं, आर फॉर पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड सीएम फॉर सेंटर ऑफ मास. तो अगर मैं आरसीएम बोलता हूं तो इस आरसीएम के अबाउट इस पूरे कंप्लीट मास का जो मोमेंट आएगा वो बिल्कुल वही आइडेंटिकल रिजल्ट देगा, वो बिल्कुल वही मोमेंट देगा जो हम इंडिविजुअल मोमेंट ऐड कर रहे थे बाय डेफिनेशन. कौन सी डेफिनेशन थी हमारी, हमने कहा था ना कि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल वही रोल प्ले करता है जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड मास जो है वो रोल प्ले करता है. तो मैंने आपको बता दिया, जस्ट जस्ट वन सेकेंड, जस्ट मिनट, मैं इसको चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, जस्ट मिनट. तो इसके बाद मैं आपको आगे का जो डिस्कशन है वो कर रहा था कि ये मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये बताया कि हमने उस पॉइंट के अबाउट, देखो ध्यान से देखना, इस ओरिजिन के अबाउट मैंने ओरिजिन के अबाउट सारे मासेस के क्या कैलकुलेट कर लिए, इंडिविजुअल मोमेंट्स कैलकुलेट कर लिए, सारे मोमेंट्स को जोड़ करके मैंने टोटल मोमेंट निकाल लिया, एम वन आर वन एम टू आर टू एम थ्री आर थ्री टोटल मोमेंट निकाल दिया. और ये जो टोटल मोमेंट होंगे इंडिविजुअल मासेस के सम करने के बाद जो टोटल मोमेंट आया है वही टोटल मोमेंट अगर मैं RCM को के यूज करके निकालूं तो आना चाहिए. क्यों? क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करता है जैसा हमारा पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास कर रहा था वैसा का वैसा ही पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पर हम एज्यूम कर लें कंसंट्रेट, तो वो बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही आएगा, उसका मोमेंट भी उतना का उतना ही आना चाहिए. तो मैंने सारे मासेस को टोटल किया और मैंने माना कि वो हमारे RCM वाले पोजीशन कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ है. तो उस पॉइंट पर, तो देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पे आपका सी दिख रहा है आपको, सारा का सारा मास मैंने इस पे कंसंट्रेटेड मान लिया और इसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो RCM मान लिए. तो अब ये जो मैं इसको बोलूंगा सिग्मा एम, मतलब सारे मासेस का सम मल्टीप्लाइड बाय द ये डिस्टेंस जो होगा RCM, दैट विल गिव यू द टोटल मोमेंट. आपको ये टोटल मोमेंट देना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये पूरा वो जैसा ही आइडेंटिकल सिस्टम बन गया जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड मास था. तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आप सारे बॉडी के सभी डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस को RCM पे एज्यूम्ड करके, कंसंट्रेटेड एज्यूम्ड करके जो मोमेंट निकाल रहे हो वो आ गया, एक सिंगल बॉडी बन गई है, m1 प्लस सिग्मा m मास की सिंगल बॉडी बन गई. सिग्मा मतलब एडिशन ऑफ ऑल दी मासेस, तो सिग्मा m मास की सिंगल बॉडी बन गई जो RCM डिस्टेंस दूर है ओरिजिन से. तो इसका मोमेंट क्या आएगा, सिग्मा m इनटू RCM. और ये जो इंडिविजुअल मोमेंट्स आ रहे थे सब डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस के वो आ रहे थे, दोनों बराबर होने चाहिए बाय द डेफिनेशन. और बाय डेफिनेशन अगर ये बराबर होने चाहिए तो बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि RCM का जो फॉर्मूला बन गया वो ये बन गया सिग्मा, ध्यान से देखिएगा, सिग्मा एम आई आर आई अपॉन, या ध्यान से देखिएगा, सिग्मा एम आई आर आई अपॉन सिग्मा एम आई. मैं इसको दोबारा बोल रहा हूँ, आई एम राइटिंग इट अगेन. ये क्या है RCM, तो RCM का पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरे यहाँ पे, ये आ गया m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 and dash 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 mn rn whole thing divided by m1 plus m2 plus so on up to mn. तो जब भी कभी हमको कहा जाएगा कि आप RCM निकालो, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट निकालो, तो मैं सारे मासेस का, इंडिविजुअल मासेस का मोमेंट जो होगा, इंडिविजुअल मासेस का मोमेंट होगा, मैं उसको सबको ऐड करूंगा एंड उसको मैं डिवाइड करूंगा टोटल मास से, उससे मेरा पोजीशन कोऑर्डिनेट आ जाएगा. यहाँ पे r1 r2 r3 जो है पोजीशन कोऑर्डिनेट से रेस्पेक्टिवली मासेस के. सो प्लीज से यस और नो, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. आपको यहाँ तक का डेरिवेशन समझ में आया जो मैंने बताया, बात ये फॉर्मूला है कैसे ड्राइव हुआ समझ में आया.
जस्ट से यस और नो, प्लीज लेट मी नो. आपको जहां तक समझ में आ गया सबको? तो आप बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने ये डिस्कस किया है, बिल्कुल इसी तरह से हमको क्या करना है, आरसीएम के आइडेंटिकल एक्स के लिए भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को. व्हाट इज एक्ससीएम नाउ? एक्ससीएम क्या बन जाएगा? सिग्मा एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एम आई. क्यों? क्योंकि एम आई एक्स आई क्या है? आई क्या है? आई इज द वैल्यू विच इज वेरिंग फ्रॉम वन टू एन. जब आई की वैल्यू आप चेंज करोगे ना वन से लेके एन तक, तो यहाँ पे सारे एन टर्म्स आ जाएंगे, एम वन एक्स वन, एम टू एक्स टू, एम थ्री एक्स थ्री. तो आई अपनी वैल्यूज एक से लेके एन तक वेरी करेगा, तो सारी टर्म्स आ जाएंगे एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू. अब ये प्लस कहाँ से हो रहा है? प्लस ये जो सिग्मा साइन है ना, ये जो मैंने तिरछा एम बनाया सिग्मा साइन, ये इसको एडिशन करवाता जा रहा है और आई जो है वो इस टर्म्स को वेरी कराता जा रहा है. तो ये एक तरह से दिस इज नथिंग बट दिस एक्सप्रेशन. ये और ये एक ही एक्सप्रेशन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. सारे मासेज ऐड करने हैं, तो अब आई की वैल्यू जब आप पुट करोगे 1 2 3 4 5, तो एम वन एम टू एम थ्री सारे टर्म्स आएंगे, उनको सिग्मा से हम ऐड कर लेंगे. तो आपको समझ आ गया होगा दिस इज द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. एंड वाट अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास? इज एम आई वाई आई, सॉरी सिग्मा एम आई वार आई, सिग्मा एम आई वाई आई, आई इज इक्वल टू 1 टू एन अपॉन सिग्मा एम आई. ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये फॉर्मूला. अब ये मैंने जनरलाइज करके आपको बता दिया है. अब अगर ध्यान रखना, अब अगर दो मासेज जो हैं, दोनों मासेज बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बराबर हैं, एम वन एम टू का वैल्यू बराबर है, तो अपने आप जो है ना, अपन जब वैल्यू पुट करेंगे इसमें, आपको ये दिख रहा होगा एक्सप्रेशन, इसमें यहाँ पर भी एम और यहाँ पर भी एम, ठीक है, वो आ जाएगा. तो इसमें से एम कॉमन लेने के बाद ऊपर और नीचे टू एम है, ये कट करके आर वन प्लस आर टू बाई टू मिल जाएगा. तो जब कभी भी दोनों मासेज हमारे आइडेंटिकल होते हैं, इक्वल होते हैं, तो डायरेक्ट हम बिना मास इंक्लूड के दोनों के पोजिशन कोऑर्डिनेट को इस तरह निकाल सकते हैं आरसीएम को, आर वन प्लस आर टू बाई टू. क्यों? क्योंकि दोनों मासेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं बराबर. सर कैन वी डू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्मूला? यस वी कैन डू वन एग्जाम्पल. अभी इसका एक एग्जाम्पल आएगा तो मैं उसको आपको एक्सप्रेस कर दूंगा. इसका छोटा सा एग्जाम्पल भी आएगा, ये देखो इसके अंदर छोटे 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 बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. वी विल टेक वन ऑफ दैट, वन ऑफ द एग्जाम्पल. तो मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको करा देता हूँ अभी, उसके ऊपर अपन डिस्कशन करें ना. सो नाउ आई एम टेकिंग वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस. आप कोई भी छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, बहुत ईजी सा सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन. ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा. आई एम रीडिंग दिस एग्जाम्पल. इट इज द एग्जाम्पल 4 ऑफ एस एल अरोड़ा, पेज नंबर 7.6. ये एस एल अरोड़ा बुक का पेज 7.6 पर एग्जाम्पल 4 है. क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. तीन पॉइंट मासेज दिए हुए हैं एम वन एम टू और एम थ्री, जिनके जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे सिचुएटेड है. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है एम वन एम टू और एम थ्री, जो ये ट्रायंगल बन रहा है ना एबीसी, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है. उसके वर्टिसेस पे, उसके किनारों पर, उन कोनों पर ये जमाए हुए हैं तीन मासेज. ट्रायंगल की साइड ए है, जो सभी साइड्स इक्वल है. क्या कोऑर्डिनेट, व्हाट विल बी द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम? इसका सेंटर ऑफ मास अपन को निकालना है. सो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो मैं इसको प्रोसीड कर लेता हूँ आंसर करने के लिए. ये तीन मासेज हो गए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोनों पर जमे हुए हैं, और ये तीनों मासेज जहाँ रखे हुए जिस ट्रायंगल पे, उस ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो मतलब तीनों साइड्स बराबर हो गई. ये कहाँ रखा हुआ है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वहाँ पर रखा हुआ है. इसमें एम वन मास ओरिजिन पर रिज्यूम किया गया है, और एम टू मास को हमने जो है ए लेंथ, ए एक्स इक्वल टू ए पे पोजीशन किया है, और एम थ्री मास जो है वो एक्स इक्वल टू ए बाई टू और वाई इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू पोजिशन कोऑर्डिनेट्स पे सिचुएटेड है. तो आपको ये पहले से गिवन है डाटा. अब अपन एक्ससीएम निकालेंगे, पहले एक्ससीएम निकालेंगे फिर वाईसीएम निकालेंगे. तो हमारा एक्स वाई जो आंसर आएगा वो हमारा पोजिशन कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का. तो बेटा सबसे पहले आपको क्या काम करना है, वो ही वैल्यू लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है एक्ससीएम का. तो एक्ससीएम का फॉर्मूला मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री. जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे तीन मासेस के लिए करेंगे अपन, तो ये फॉर्मूला लिमिटेड हो जाएगा. अब आपको अच्छे से पता है पहला मास और उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट, कहाँ से डिस्टेंस लेना है, ओरिजिन से एक्स, जहाँ पर लोकेटेड है उसका एक्स कोऑर्डिनेट लेना है. तो आपको मालूम है पहला मास ओरिजिन पे रखा था, तो मैंने पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स का क्या ले लिया, पोजीशन कोऑर्डिनेट एम वन का ले लिया, एक्स में जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो है. सेकंड मास मेरा कहाँ रखा था,
सेकंड में आपको दिख रहा होगा ये a डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो x इक्वल टू a है, तो मैंने m2 इनटू x2 के लिए क्या लिखूं, m2 इनटू a। थर्ड मास मेरा कहां रखा है, x इक्वल टू a बाय 2 पे, ये देखो दिख रहा है आपको x इक्वल टू a बाय 2 पे रखा है, तो मैं इसको क्या ले लूंगा a बाय 2, तो m3 इनटू a बाय 2, m3 इनटू a बाय 2, दिस होल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द मासेस m1 प्लस m2 प्लस m3। ये ऊपर क्या है, ऊपर है सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द मासेस विल गिव यू द xcm सेंटर ऑफ मास, पोजीशन कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो ये पहला टर्म 0 है, दूसरा टर्म m2a, तीसरा टर्म m3a2 एंड होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये इतना ही सॉल्व होगा, इसमें अगर अपन के पास वैल्यूज होती तो अपन पुट करके उसको न्यूमेरिकल वैल्यू को निकाल लेते, लेकिन यहां पे सारा कुछ किस में दिया है, वेरिएबल्स में दिया है या ये क्या बोलते हैं अलजेब्रिक कांस्टेंट्स हैं, तो अपन उनमें इस आंसर को छोड़ देंगे। नाउ व्हाट अबाउट ycm, ycm निकालने के लिए वही फार्मूला y में लिख लेंगे m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 and whole divided by sum of all the masses। अब क्योंकि मुझे पहला वाला मास मुझे पता है ओरिजिन पे रखा है, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y1 0 ले लेंगे। इसी तरह से y2 जो है मुझे अच्छे से मालूम है, y2 क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड मास, तो सेकंड मास मुझे मालूम है, खुद सेकंड मास x एक्सिस पे रखा हुआ है और x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, यानी कि इस पॉइंट पर जो होगा m2 मास का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसमें y 0 होगा, तो यहां पर हम वापस से लिख लेते हैं y is equal to 0 है, तो y2 0 रख देते हैं। फिर थर्ड मास आपको मालूम है, थर्ड मास हमारा ये ऊपर था, सबसे ऊपर ये वर्टिसेस जो थी, इसका जो y कोऑर्डिनेट आ रहा था वो रूट थ्री बाई टू, y इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, तो मेरा y थ्री हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, तो यहाँ पे रूट थ्री बाई टू पुट कर लेंगे, तो इसको आप दो टर्म पहली जीरो हो गई, थर्ड टर्म का नॉन जीरो है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनली यू विल गेट दिस वैल्यू। सो डू यू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल नाउ, ये वाला एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई, एंड ऑल अदर्स आपको सबको समझ में आया। बिल्कुल a बाई टू नहीं, एक्चुअली देखो इसमें ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था वो मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूँ, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जब आप बनाओगे तो आपको उसका जो क्या बोलते हैं x, ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका कहीं ना कहीं एज्यूम करना पड़ेगा ओरिजिन, है ना, अपन को कहीं ना कहीं उस एक्स वाई प्लेन का ओरिजिन तो मानना पड़ेगा। अब एक्स वाई प्लेन को कहाँ लोकेट करूँ, कहाँ ओरिजिन मानूँ, आप सबसे आप इसको कहीं भी मान सकते हो, यू आर फ्री टू टेक ओरिजिन एनी वेयर इन द स्पेस। अब लेकिन मुझे फायदा कब होगा, मुझे फायदा तब होगा जब मैं तीनों में से किसी एक मास को कहाँ मान लूँ, ओरिजिन पे रखा हुआ मान लूँ, उससे क्या होगा कि मेरे जो और एक मास के जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है ना वो जीरो हो जाएंगे, तो मेरी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगी, मेरे लिए जो आर वन है यानी कि एक्स वन और वाई वन वो जीरो होते ही क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन मेरी थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एक वर्टेक्स है वो कहाँ माना है, ओरिजिन पर माना है, और दूसरा वर्टिसेस जो है वो कहाँ मान लिया हमने, दूसरा वर्टिसेस जो मान लिया मैंने एक्स एक्सिस पे मान लिया, यानी कि एक्स एक्सिस पे ए लेंथ दूर, क्यों ए लेंथ, ए डिस्टेंस दूर क्यों आएगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड ए गिवन है। तो अब ए साइड अगर है तो इस एम वन और एम टू की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ए होनी चाहिए, तो एम टू के पोजिशन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एम टू के पोजिशन कोऑर्डिनेट बाई दिस सिचुएशन हो जाएंगे ए कॉमा जीरो, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है और एक्स में जो लेंथ दी गई है वो ए है। सिमिलरली अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा जो थर्ड जो वर्टिसेस जाएगा इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो ऊपर जाएगा कहीं, अब ऊपर जाएगा तो वो पोजीशन क्या होगी, तो वो आपको पता होना चाहिए बिकॉज हम क्लास लोअर क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, बात जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के हाइट होती है वो कितनी होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो रूट थ्री बाई टू होती है। अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन है कि सर हाउ इट हैज केम, तो मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, ये आपका हाफ होगा नहीं होगा, बाय ज्योमेट्री चेक करो, दोबारा बोल रहा हूं मैं, बाय ज्योमेट्री ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी वर्टिसेस से जब हम अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर बाई ज्योमेट्री इक्विलेटरल ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो दो इक्वल पार्ट क्या होगा, ए बाई टू एंड ए बाई टू। तो अगर ये लेंथ ए बाई टू है, ध्यान से सुनिएगा, ये लेंथ ए बाई टू है और ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है मेरा ये ए है, कैपिटल ए है, सॉरी स्मॉल ए है, तो इसको निकालने के लिए यानी कि ए बी निकालना है मुझे,
जिसको अपन परपेंडिकुलर कहेंगे इन दिस ट्राइंगल। मैं कौन सा नाम दे रहा हूँ ट्राइंगल का, अगर मैं इसको सी बोल देता हूँ पॉइंट को, तो ए बी सी ट्राइंगल जो है, इन ट्राइंगल ए बी सी हाइट विल बी द रिक्वायर्ड थिंग, जो चाहिए मुझे उसको अपन एक्स मान लें, कुछ भी मान लो, और यहाँ पर ए सी विल बी द बेस ए बाई टू, बी सी विल बी द हाइपोटेन्यूज। सो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो दिस ए बी स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मैं इसको लिख के दिखा दूँ आपको नीचे, यहीं पर मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ, ए बी स्क्वायर मेरा हाइट है इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू क्या होगा, जो आपकी वैल्यू आएगी वो इस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मेरा ए स्क्वायर है माइनस बेस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर निकालेंगे तो ए बाई टू का स्क्वायर है, ए बाई टू का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बाई फोर। तो वाट इट विल बी, इट विल बी थ्री ए स्क्वायर बाई फोर, इट विल बी थ्री ए स्क्वायर बाई फोर। अब आपको तो ए बी मिल गया, ए बी स्क्वायर गया ना, अब ए बी कैसे मिलेगा, ए बी इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट क्या आएगा इसका, अंडर रूट थ्री ए बाई टू। तो मैं क्या किस इन्फॉर्मेशन पे पहुंच गया, ए बी जो लेंथ है मेरी वो कितनी है, ए बी लेंथ है अंडर रूट थ्री ए बाय टू। सो नाउ इट इज क्लियर पोजिशन कोऑर्डिनेट इसके क्या हो जाएंगे, वाई वाई में जो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो ये हाइट होती है हमेशा, तो ये तो हो जाएगा आपका रूट थ्री ए बाई टू, और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कौन सी, ये वाली लेंथ होती है, ये वाला डिस्टेंस है एक्स कह लो, तो ये हो जाएगा मेरा ए बाई टू, ये ऑलरेडी गिवन है। तो बेटा क्या आपको तीनों पॉइंट मासेस के, तीनों मासेस के पोजिशन कोऑर्डिनेट मिल गए? Yes, तो बस ये ही मुझे बताना था कि जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर ये मास डिस्ट्रीब्यूशन क्यों माना है मेरे भाई, आई एम सेइंग दैट मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कि एक मास ओरिजिन पर है, दूसरा मास सी पॉइंट पर है, तीसरा मास बी पॉइंट पर है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो गया, इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हो आप, और इसको डिस्ट्रीब्यूटेड मास भी कह सकते हो। इस मास का जो पोजिशन कॉर्डिनेट आया है ना, जो भी आया है, मान लो यहाँ पर कोई पोजिशन कॉर्डिनेट में निकलता है और आ जाता है यहाँ पे, तो जो भी पोजिशन कोऑर्डिनेट आया है वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर कहेंगे कि इस तीनों मासेस को कंसंट्रेटेड मान सकते हो, इन तीनों मासेस को मान सकते हो, कि इन तीनों का क्या है समेशन जो है वो यहां पर कंसंट्रेटेड है, सिंगल मास मान सकते हो, और इस पूरी बॉडी का जो मोशन होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा फोर्स लगाने के बाद, जैसे कि ये मानो कि इस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे होते और इस पॉइंट का मास कितना होता m1 प्लस m2 प्लस m3, तो पूरी बॉडी बिल्कुल वैसा ही एक्सेलरेशन शो करेगी, वैसी ही टॉर्क शो करेगी, वैसी ही सारी रोटेशन शो करेगी, वैसी ही सारी ट्रांसलेशन आएगी, जैसा जैसा अगर इस तीनों मासेस को एक कंप्लीट पोजीशन, सॉरी तीनों मासेस को हम ऐड करके इस पर कंसंट्रेटेड मान लेते और एक यूनिक पॉइंट मास हो जाता वो m1 प्लस m2 प्लस m3 वैल्यू का, उस पर अगर फोर्स लगाते तो जितने पैरामीटर्स, जो भी पैरामीटर उसके लिए आते वो सारे के सारे पैरामीटर इस डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए आएंगे। तो अब जो कैलकुलेशन होगी ना वो ये मानकर होगी कि तीनों मासेस इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हैं, और ये तीनों मासेस अलग अलग नहीं है, वो एक ही मास है जिसका जिसका टोटल मास का वैल्यू है m1 प्लस m2 प्लस m3 नाम का एक ही पार्टिकल है जो इस पॉइंट पर रखा हुआ है, और हम उस फोर्स को इस पर लगा रहे हैं, हमको इस सिस्टम पे नहीं दिखाना, हम इस पे लगा रहे हैं, और पूरी की पूरी कैलकुलेशन हमारी बड़े आराम से हो जाएगी। सो दिस इज द पर्पज ऑफ सेंटर ऑफ मास, डू यू गेट इट, सब लोग समझ गए आप लोग ये? यस बेटा समझ में आया सबको। अब आज इसमें अपन इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज आपको जो आज पढ़ाया है वो आप एक बार प्रैक्टिस करना, और मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से एग्जाम्पल थ्री जो है इसका, और एग्जाम्पल टू, ठीक है, एग्जाम्पल थ्री और एग्जाम्पल टू, ये दो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल टू एंड थ्री, ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको घर से करके आने हैं, ठीक है, इनको करके लाना, इनमें जो प्रॉब्लम है क्वेरी है वो आप पूछ लेना मेरे से कल। एक्सेलर पेज नंबर 7.6 एग्जाम्पल नंबर टू एंड थ्री, यू टू डू इट फ्रॉम योर होम, और कल अपन इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, देन आई विल इन्फॉर्म यू, आई विल गिव यू सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मोमेंटम कंजर्वेशन एंड द सेंटर ऑफ मास मोशन, किस प्रकार मोमेंटम कंजर्वेशन किया जाता है इस सेंटर ऑफ मास वाले केसेस में, और सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या रहता है। सो नाउ जस्ट ए मिनट, आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस, जस्ट ए मिनट, आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस, उसके बाद मैं आगे जो है इसको लीव करूंगा, पर प्लीज डोंट लीव, फर्स्ट आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस, इप्सिता, विनय, भूपेंद्र, दीक्षा,
कमल, मीनाक्षी, मुस्कान, निखिल, राहुल, राजपाल, शक्तिपाल, तुषार, विनय, विपुल. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू, आई एम वेरी हैप्पी दैट अवर अटेंडेंस इज राइजिंग ड्यू टू द चेंज इन द टाइमिंग ऑफ द क्लास. सो मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अपने कलीग्स को कहना कि क्लास का अटेंडेंस अपन को और बेटर चाहिए. ठीक है, आई वांट एवरीवन इन द क्लास. सो प्लीज ट्राई टू डिस्कस इट विद योर कलीग्स हु आर नॉट कमिंग द क्लास. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे. नाउ वी लीव वन बाय वन. हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. यस, नाउ वी लीव वन बाय वन. आफ्टर दैट आई विल लीव. यस, गुड डे एवरीवन. गुड डे भूपेंद्र, सेम टू यू. राहुल, गुड डे, हैव अ नाइस डे. लव यू, थैंक यू वेरी मच.